गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक है? अच्छा सारे ना सारे एकदम से हैं। ये तौसीक भाई ने आज क्या क्या फेंका है ड्रेसिंग में, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई मतलब डिफरेंट और अच्छे लग रहे हैं। ऐसे कोई पढ़ा लिखा सा बंदा लग रहा है कि नहीं? पढ़ा लिखा वो तो आप हैं, लेकिन अच्छा, आज कुछ ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, वो मुझे थोड़ी सी कभी 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 लगती है, तो फिर मैं कहता हूँ वार्डरोब से बंदा पूरा कर ले उसको। नहीं, आज वो जुमा फील आ रही है आपको देख के। फातिमा और तौसीक आपको कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। और आज का राइजिंग पाकिस्तान बड़ा ही डाइवर्स किस्म का है, लेकिन बहुत सी गप्पे भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं जो हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे। और फातिमा कह रही थी कि ये मैं ऑन एयर जरूर कहूंगी। मैंने कहा फातिमा जरूर कहना। अब मैं पूछने लगी हूँ आपसे एक चीज, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि आपका घर में बहन भाइयों में कौन सा नंबर है? मेरा सबसे छोटा। ओ फिर तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ होगी, पता है आपको एक... क्यों, जो सबसे बड़े हैं उनके लिए कोई लॉटरी निकली है तो और क्या। अच्छा, हमारे मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरा आईक्यू बाकी बहन भाइयों से ज्यादा है। आईक्यू? जी। अच्छा, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपका ज्यादा है, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बहन भाइयों में सबसे बड़ा होता है? बिल्कुल, ये एक रिसर्च हुई है। वो सबसे ज्यादा ज़हीन होता है। कह रही हूं, बिल्कुल ये एक रिसर्च हुई है। और हमारे जो नाज़रीन जो इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं या जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उन्होंने ये उनके नजर से जरूर ये खबर गई होगी कि तौसीक ये कहा जा रहा है कि एक तहकीक के मुताबिक जो आपके घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसका आईक्यू बाकी बहन भाइयों से थोड़ा ज्यादा होता है। मुझे इसके लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को देख लूं तो मैं इस पर यकीन कर सकता हूं कि वाकई मेरे जो तीनों बड़े बहन भाई हैं वो वाकई, हमारे घर में बाकायदा ये कहा जाता है कि मैं सबसे मतलब जहानत में, काबिलियत में, पढ़े लिखे होने में सबसे ऐसे नंबर फोर पे ही, वैसे भी नंबर फोर पे आता हूँ, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस रिसर्च। लेकिन आपको लगता है इस पे इंटरनेट पे बहुत बहस चल रही है कि जी क्यों ये हो गया, क्योंकि जाहिर है जो घर के छोटे हैं वो जरा थोड़े गुस्से में भी आ गए कि भाई ये क्या बात हुई। लेकिन पहले आप अपना रीजन बताएं, आपको क्या लगता है? मैं तो खुश इसलिए हूँ कि अगर आपको पहले से कह ही दिया जाता है कि आप क्योंकि घर में सबसे छोटे हैं और इसलिए आप जहानत में कम हैं, चले फर्ज करें ये रिसर्च सही भी है, फर्ज कीजिए, तो जो छोटे हैं उनको तो खुश होना चाहिए। अब घर में जब भी कोई काम आपको दिया जाएगा ना, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो अक्ल ही नहीं है, मेरे में तो ना शऊर है, मेरी तो जहानत भी कम है, वो जो बड़े भैया है ना, वो जो बड़ी बहना है, पर उन्हीं से करवाएं, आप उन्हीं से मशवरा लें, उन्हीं को बताएं, तो आप जो है ना बहुत से कामों से आपको छुट्टी भी मिल सकती है इसी चक्कर में। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूँ। ये आज आपने एक जुमला ऐड कर दिया, वरना मोस्टली जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग, आप भी हो सकता है कहते हो अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं, बस आपको तो ये बड़ा भाई ही पसंद है। हाँ। या आपको तो इन्हीं से प्यार है। Exactly. ये जुमला तो बहुत ज्यादा बच्चे Exactly, बोलते हैं। लेकिन मैं जब कल ये पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि शायद तौसीक रीजन ये भी हो सकता है कि घर में जब पहला बच्चा आता है तो आप देखें, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है तो माँ बाप की सारी अटेंशन उसके ऊपर होती है, हम सारी एक्टिविटीज भी उन्हीं के साथ प्लान करते हैं। तीसरे चौथे तक आके वो कहते हैं अच्छा यार, मतलब क्योंकि जब दूसरा तीसरा चौथा या जितनी भी लाइन है वो जो होती है उसका ये होता है कि आपका फोकस डिवाइड हो गया होता है ना, आपका प्राइम फोकस वो बच्चा नहीं रहता, बेसिकली वो थोड़ी अटेंशन आपने बड़े को देनी है, फिर थोड़ी आपने छोटे से बात करनी है, तो मुझे लगता है दिस इज द यही एक रीजन हो सकता है, वरना और क्या रीजन होगा? एग्जैक्टली, दूसरी बात ये कि जो है ना कि जी एक इंटरनेट पे एक रिसर्च के मुताबिक और एक रिसर्च बड़ी वायरल हुई भी है, इंटरनेट का जो रिस्पॉन्सिबल यूजेज है वो भी बहुत अहम चीज़ है। इंटरनेट पे जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्डेड चीज़ें हैं, एक चीज़ भी रिसर्च ने साबित की है कि इसमें से एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा फीसद हिस्सा जो है इस तरह के मैसेजेस का, वो फेक भी होता है, वो इररिस्पॉन्सिबल भी होता है, और हम उसकी तहकीक किए बिना उस पर रिएक्ट भी करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। और इसी हवाले से आज हमारे जो एक मेहमान है, बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, बहुत ही मज़ेदार अंदाज में ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी एक नज़र से देखते हैं। मतलब वैसे तो ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है जब भी मैंने इनको सुना या इनसे बात हुई कि ये एक आम जिंदगी गुजारने का, यानी जिसको आप एक तर्ज़ हयात कहते हैं, उस पर भी मॉडर्न लाइफस्टाइल के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस लेके आते हैं। तो डॉक्टर ज़िया से हम पिछले 10-15 दिन से राबता करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो
राइजिंग पाकिस्तान में आएंगे, और जो फातिमा ने अभी बात की इसी को आगे लेकर चलते हुए, हम रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया या रिस्पॉन्सिबल मीडिया या रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि वो हमें इसके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस बताएं कि हम सोशल मीडिया को इन्जॉय भी करें, हम उसकी उसकी अफादियत और उसकी अहमियत से इनकार भी ना करें, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम हमारा माशरा, हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है उससे पोल्यूट ना हो, टॉक्सिक ना हो, जहरीला ना हो, है ना जी? बिल्कुल। तो हम इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस जो है डॉक्टर ज़िया से आज जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, और बिल्कुल जहाँ पे अभी बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर ही हम शामिल कर दें कि आप लोगों के जो मैसेजेस है ना, वो जब शामिल हो जाते हैं प्रोग्राम में तो हमारा जो खुशी का लेवल है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। बिल्कुल, आज हमारे राइजिंग पाकिस्तान में शामिल होंगे आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की तस्वीरें, तो आप लोग जल्दी से शुरू हो जाएं, क्योंकि आमना उधर बैठी हुई है और देख रही है कि कौन कौन से मैसेजेस हैं और मुझे क्या क्या शामिल करना है आज। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0308-8936-949, 0308-8936-949। इस नंबर पे आप अपनी कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई मैसेज, कोई बात, और तौसीक भाई, फातिमा बाजी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इससे बढ़ के हमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव बात, कोई बात जो आज हमने, जो हमारा मेन मौजू है प्रोग्राम का, उस हवाले से अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो इसके लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फातिमा, हम प्यारे बच्चों को और बड़ों को भी कुतुबुद्दीन और बिल्किस, क्या था जी वो, तालीमाबाद हम तालीमाबाद, यानी वो बातें जो शायद जरा मुश्किल हो जाती हैं समझनी, वो खेल ही खेल में बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ आप तक पहुंचाई जाए, तो रिसर्च ने, अगेन वो फातिमा की रिसर्च ने साबित किया कि बच्चे उसको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो तालीमाबाद का सिलसिला भी आज राइजिंग पाकिस्तान में होगा, और क्या है जी? बिल्कुल जी, उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कैलीग्राफर वासिल शाहिद, और वासिल शाहिद से मिलने के लिए आपको पता है मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। रीजन आपको मैं बताती हूँ कि कल मैं इनका आर्ट देख रही थी, इनका बहुत ज्यादा जो आर्ट है वो ब्लैक और गोल्ड में है। अच्छा। और मेन चीज ये है कि ये सोने के वर्क से बेसिकली लिखते हैं। वाह। और आपको पता है ये आर्ट सोने के वर्क से लिखना काफी मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत फाइन आर्ट से रिलेटेड हूँ मैं भी, तो मुझे ये चीज पता है कि क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है, उसको जरा हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आज हम इनसे ये पूछेंगे, क्योंकि देखें कैलीग्राफी जो मैं इनकी देख रही थी वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने उसको कंपोज किया हुआ था, और उसके कुछ नमूने वो लेकर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, सोने के वर्क से कैलीग्राफी का नमूना अगर आप देखना चाहते हैं तो वासिल शाहिद का सेगमेंट आपने आज जरूर देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है जैसा कि फातिमा ने बताया, लेकिन वो एक्चुअल अपना आर्टवर्क भी ला रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उनके एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री है वो भी आपको हम दिखाएंगे उस सेगमेंट में। लेकिन फातिमा, आज हमने स्टूडियो से निकलना है। बिल्कुल। आज हमने इस्लामाबाद से भी निकलना है और जाना है उन इलाकों और उन नाजरीन को सैर करवानी है अपने प्यारे सिंध की, जो शायद टूरिज्म के लिए कभी सिंध नहीं गए। बिल्कुल। है ना, हम वैसे मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि हमारे जो केपी में रहने वाले बहन भाई, उन्होंने सैर करनी है तो वो सिंध जाएं, सिंध वाले कोई जनाब पंजाब आए, पंजाब वाले कहें हमने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, गिलगित बल्तिस्तान वाले कहें कि हमने बलूचिस्तान की सैर करनी है, ताकि हम एक दूसरे के इलाकों को देखें और जानें कि वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के त्यौहार क्या हैं, वहाँ का वार्डरोब क्या है। बिल्कुल। तो वो आप सही फिर पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना कि ऐसे ऐसी जुड़त जो है ना वो फिर नजर आएगी। तो आज हमने आपको सिंध की सैर करवानी है जनाब। अच्छा, आपने सिंध देखा है? बहुत ज्यादा सिंध में देखा भी है, ट्रैवल भी किया है, काम भी किया है, और सिंध बहुत मुझे पसंद है। बिल्कुल, मैंने सिंध पिछले साल देखा था, और आपने नोट किया हम जो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं हम लोग भागते हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, हमें होते जी हम जरा ठंडे पहाड़ों में चले जाएं इन, लेकिन आपने बहुत प्यारी बात की है कि हम लोगों को पूरे पाकिस्तान, पंजाबियों को उधर भी जाना, हर जगह को देखना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हैं, आप हर जगह जाएं, उनकी एक मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जब आप पंजाब में जाएं तो आपको ये कल्चर अच्छा लग रहा है या आप सिंध में जाएं तो आपको वो कल्चर अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। और अगर आप नहीं कभी गए और जा नहीं सकते तो आज हम 4-5 मिनट में आपको सिंध की सैर करवाएंगे। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा और मैं आपके लिए और हमारी टीम सजा के लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस भी होगी और साथ ही तालीबाबाद का सिलसिला भी होगा, और फिर हम राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को कैसे चलाएंगे
जी प्यारे बच्चों, वक्त है तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। और आज की एडवाइस जो है ना वो थोड़ी सी ख़तरनाक है, इसलिए कि मैं आपको ना दिल से खुल के अपनी बचपन की पुरानी यादों में से कुछ शेयर करने लगा हूँ। और बहुत से बड़े मुड़के कहेंगे ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप, ये क्या बता रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आजकल का बच्चा बहुत रियलिस्टिक है, उसको आप ख्वाबो ख्याल की दुनिया में नहीं रख सकते। इसलिए कि आप जितना भी उसे ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रखेंगे और उसे सब्ज बाग दिखाएंगे, उसने सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, आगे पीछे दूसरे बच्चों से रियलिटी चेक ले ही लेना। और रियलिटी चेक ये है कि जब आते हैं एग्जाम्स, जब होने शुरू होते हैं इम्तिहानात, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और तौसीक अंकल जैसे बच्चों ने जो पूरा साल नहीं पढ़ा होता, वो आखिरी दो दिन में जाके कहते हैं ओए होए, फिजिक्स की किताब खोली, कड़कड़ कड़कड़ कड़ आवाज़ आई, पता लगा पहली दफ़ा खोली। नहीं, इतने बुरे हालात भी नहीं थे मेरे, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके पढ़ाई कर रहे थे। हर एक अपना अपना स्टाइल है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम दिन में पढ़ेंगे और रात की नींद। तो कभी भी स्टाइल ऑफ पेपर की तैयारी, यानी दो दिन बाद इम्तिहान है या सुबह इम्तिहान है या एक हफ्ते बाद इम्तिहान है, तो उस पर्चे की, उस सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, ये वन साइज डजंट फिट ऑल, यानी एक ही फार्मूला सब पे लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने बचपन में उस तरह से तैयारी करती थी या करते थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मेरी बेटी मेरा बेटा ऐसे ही करे। बेटा, हम तो ऐसे करते थे, ऐसे किया करो, सुबह पढ़ा करो रात। हर बच्चे को अपना स्टाइल डिस्कवर करने दें इम्तिहान की तैयारी का। मिसाल के तौर पर मैं तो बहुत, जिस दिन पेपर होता था, यानी सुबह 9 बजे या 8:30, जब भी आपने जाना है पेपर के लिए, उस दिन सुबह 4 बजे से लेके वो जो आखिरी पेपर से पहले के 3-4 घंटे होते थे, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते थे। शायद उसकी वजह ये थी बच्चों, एक चीज़ होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मेमोरी के अंदर चीज़ें जो फीड करते हैं वो 24 घंटे तक उसमें फ्रेश रहती हैं। तो मैं अगर 4 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ता था, तो ज़रूरी नहीं कि वो पेपर पे मुझे काम आ जाए। मुझे उस दिन आखिरी 4 घंटे एक तेज़ ऐसे फ्लैश तैयारी की ज़रूरत पड़ती थी। तो कहने का मतलब ये है, ये मिलियन डॉलर एडवाइस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है, कि हर एक का अपना स्टाइल है। कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई तैयारी करता है इम्तिहान की और आपको घर में पता भी नहीं चलता कि किसी के पेपर हो रहे हैं, बड़े रिलैक्स स्मूथ फ्लाइट लेके जाता है। किसी ने पैनिक मचाया था, अम्मी मेरा बायोलॉजी, मेरा मैथ का पेपर है, हाय 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 हाय, लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा, अब तैयारी नहीं हो रही। तैयारी पूरी है लेकिन पैनिक किया हुआ, ये उसका स्टाइल है। तो इसलिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि छोटी उम्र से लेकर मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स तक के इम्तिहान हो रहे हैं और हर घर के अंदर ये पैनिक सिचुएशन नज़र आती है। तो रिलैक्स करें, पहली बात है, सब लोग 10 से लेकर 1 तक ठंडी सांस के साथ रिलैक्स करें, पेरेंट्स भी और जिन बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं वो भी। कोई मतलब दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई दुनिया का आखिरी दिन या आखिरी इम्तिहान नहीं है जिससे आप गुजरने चाह रहे हैं। तो रिलैक्स करें, इंजॉय करें, इस प्रोसेस को भी इंजॉय करें। तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई, पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, नींद पूरी करके जाएं, हंसते मुस्कुराते जाएं। ऑलराइट जनाब, और फिर आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बतलाना भी है कि ये फॉर्मूला तौसीक अंकल का आपको कैसा लगा। ठीक है जी, ये थी मिलियन डॉलर एडवाइस। अब हम बढ़ेंगे तालीमाबाद की जानेब और चल के देखते हैं कि तालीमाबाद में खेल ही खेल में रंगों के साथ और मुख्तलिफ म्यूजिक और आवाज़ों के साथ किस इशू पर आज बात की जा रही है। खुशामदीद, कैसे हैं आप सब? आज मैंने आप सबको इतना मिस किया, पता है क्यों? क्योंकि हमारी आज की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था कि कब आप लोग आएं और कब हम कहानी शुरू करें। लेकिन हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिंट देती हूँ
कि हमारी आज की कहानी किस नंबर के बारे में है। पहली हिंट, क्या आपको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? आई मिल के काउंट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 days in 1 week. 7 yani 7. क्या आपको पता है कि रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. गुड जॉब। चलें अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि कहानी में हुआ क्या। In this lesson, recognize the number 7 and its quantity. Learn to pronounce the number 7. Learn to write the number 7. सबक के मकासिद। नंबर 7 और उसकी मकदार की शनाख्त। नंबर 7 बोलने का तरीका। हिंसों में नंबर 7 लिखने का तरीका। ये है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है पिंकी और जोजो के दादा अबू, जिनको सब घर वाले बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन दादा अबू सुबह सुबह वॉक के लिए जा रहे थे कि रास्ते में आ गया एक दरख्त और दादा अबू के जोर से टक्कर हो गई। दादा अबू वहीं धड़म से गिर गए। सबने एम्बुलेंस को बुलाया और यूं दादा अबू को हॉस्पिटल लेके जाया गया। सब फैमिली बहुत उदास थी, उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। तो अब्बू ने पूछा कि कोई ऐसा तरीका नहीं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं? तो डॉक्टर बोला कि ऐसा तो कोई तरीका नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक ऐसे दरख्त के बारे में पता है जिसपे 7 एप्पल्स लगे हैं। ये एप्पल्स खाते ही दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब सब घर वाले बहुत ही परेशान थे कि कौन जाएगा एप्पल्स लेने के लिए। कि पिंकी को एक तरकीब आई, उसने सबसे कहा कि क्यों ना मैं और जोजो जाके दादा अबू के लिए वो वाले 7 एप्पल्स ढूंढ के लाएं। सब घर वाले इस आइडिया पे बहुत खुश हुए और यूं पिंकी और जोजो उन एप्पल्स की तलाश में घर से निकल पड़े। पिंकी और जोजो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे और फिर रास्ते में आ गए बड़े बड़े 7 पहाड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पहाड़। अब पिंकी और जोजो ने आहिस्ता आहिस्ता करके पहाड़ों पे चढ़ना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से वो थक हार के बिल आखिर वो आखिरी पहाड़ तक पहुँचे। करते करते वो एक घने जंगल में पहुँच गए और उस जंगल के खत्म होते ही एक बड़ा सा बाग था जहाँ बहुत सारे दरख्त थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दरख्त। अब पहले दरख्त के पास पिंकी और जोजो पहुंचे तो उस पे बहुत सारे माल्टे लगे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 माल्टे। लेकिन उन्होंने सोचा कि डॉक्टर अंकल ने तो 7 सेब का बोला था, ये तो माल्टे हैं। तो वो ये दरख्त छोड़कर अगले वाले दरख्त की तरफ चल पड़े। और ये तो वही दरख्त है, इस पे गोल्डन एप्पल्स लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गोल्डन एप्पल्स। पिंकी और जोजो ने एप्पल्स तोड़ने शुरू किए और फिर साथ ही एक बास्केट थी जिसमें उन्होंने सारे एप्पल्स एक एक करके डाल दिए। जब बास्केट तैयार होगी तो पिंकी ने बास्केट अपने कंधे पे लटकाई और पिंकी और जोजो घर की जानिब चल पड़े। चलते गए कि यहाँ तक उन्हें सामने से वही खौफनाक चुड़ैल नजर आई। चुड़ैल ने कहा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाग से सेब तोड़े हैं, मैं तुम्हें जरूर मजा चखाऊंगी। चुड़ैल ने जादू किया और देखते ही देखते पूरे बाग में आग लग गई और फिर चुड़ैल शू करके चली गई। अब पिंकी और जोजो तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, ये रास्ता कैसे पार करें? अचानक उन्हें आग में से पत्थर नजर आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पत्थर। पिंकी और जोजो ने पत्थरों के ऊपर से जंप करके रास्ता पार करना शुरू कर दिया
और यूं वो चलते चलते हॉस्पिटल पहुंच गए जहां दादा अबू वैसे के वैसे पड़े थे। पिंकी ने उन्हें वो गोल्डन एप्पल दिया। दादा अबू ने मजे से एप्पल खाया और खाते ही फौरन से ठीक हो गए। सब घर वाले दादा अबू को देखकर बहुत ही खुश हुए और सब खुशी खुशी घर चले गए। कितनी मजे की स्टोरी थी ना। पिंकी और जोजो को अपने दादा अबू की कितनी फिक्र थी, उनको मुश्किल में देख के वो फौरन उनकी मदद को निकल पड़े। वैसे गोल्डन एप्पल्स कितने मजे के लग रहे थे ना, मेरा तो दिल चाह रहा है गोल्डन एप्पल्स की तलाश में खुद किसी एडवेंचर पर निकल पड़ो। लेकिन नहीं, वहां पर तो चुड़ैल थी। नहीं भाई नहीं, मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है। खैर ये अच्छा हुआ कि चुड़ैल वहां से चली गई, वरना पिंकी और जोजो बहुत मुश्किल में पड़ जाते। चलें ये बताएं कि आपने स्टोरी से नंबर 7 के बारे में क्या सीखा। क्या आपको याद है कहानी में वो सारी चीजें जो 7 थी? आज हमने पढ़ा है 7, जो ऐसा होता है। हमने बहुत सी 7 चीजें देखी, जैसे कि 7 पहाड़, 7 दरख्त, 7 माल्टे, 7 गोल्डन एप्पल्स और 7 पत्थर। ये बताएं कि इनमें से कौन सी शक्ल नंबर 7 की है। ये नहीं, और ये तो उल्टा लग रहा है। नहीं, और ये, जी हाँ, ये है नंबर 7। 7 यानी 7। चलें अब चल के 7 को लिखना सीखते हैं। दोस्तों पहले आप मुझे देखें कि मैं नंबर 7 कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ इस तार से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ से एक सीधी लकीर खींचते हुए इस तार तक ले आएंगे। अब इस तार से सीधी लकीर खींचते हुए इस तार तक ले आएंगे और ये बन गया नंबर 7। तो जल्दी से पेपर पेंसिल निकालें और मेरे साथ मिलकर ट्राई करें। पहले अपने पेपर पर यहाँ से इस तरह सीधी लकीर लगाएं, यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे एक और लकीर खींचें। गुड जॉब। तो चलिए एक बार फिर ट्राई करें। पहले यहाँ से यहाँ तक एक लकीर ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे सीधा, और ये बन गया नंबर 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 balloons. लेकिन ये हैं किसके और उड़ते उड़ते कहाँ जा रहे हैं? ओ, तो ये पिंकी के बलून्स हैं, बल्कि हैं नहीं, थे। अब तो पिंकी के 7 बलून्स उड़ गए और पिंकी उदास हो गई। क्यों ना हम पिंकी को उसके 7 बलून्स वापस ला कर दें? आए मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये वापस आ गए पिंकी के 7 बलून्स। देखें अब कितनी खुश है पिंकी। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया।